फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हम लोग बात करने वाले हैं रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग को लेकर, कि हमारे पास किस तरीके के बियरिंग होते हैं, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और किस तरीके से हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहला चीज अगर हम लोग बात करें रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग के अंदर, तो ये बेसिकली आपका दो तरीके से क्लासिफाई होता है। एक है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, बॉल बियरिंग। फर्स्ट है हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं बॉल बियरिंग, और दूसरा हमारे पास जो कॉन्टैक्ट है दैट इज कॉल्ड रोलर बियरिंग। तो ये जो आपका बॉल बियरिंग है, और इसको आप सिलेंड्रिकल बियरिंग भी बोलते हैं, इसी को हम लोग रोलर बियरिंग भी बोलते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि आपको क्या क्या कंडीशंस मिल सकता है यहाँ पर। तो ये हमारे पास अलग अलग टाइप्स के जो बियरिंग रहते हैं, इसमें अगर हम लोग देखें तो देखिए क्या होगा। ये जो आपका बॉल बियरिंग है, बेसिकली अगर मैं इसके कंपोनेंट की बात करूं तो देखिए, इसमें एक आपका आउटर रेस होता है इस तरीके से, और इसके बाद इसमें आपको दिखेगा अंदर का पार्ट रहता है। तो देखिए क्या होगा, ये जैसा हमारा बियरिंग है तो ये हमारे पास है इनर रेस, ठीक है, आउटर रेस और इनर बेस, इनर रेस है, और इसके बीच में आपको क्या इस तरीके से बॉल के डिजाइन दिखेंगे। ये जो आपका है, ये आपको इस तरीके से क्या होगा, बॉल का डिजाइन दिखेगा ऐसा। और यहाँ पे अगर आप कॉन्टेक्ट देखेंगे तो देखिए, इसमें कंपोनेंट को हम लोग शो कर लेते हैं। ये जो मैंने पार्ट लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड आउटर रेस, ठीक है, ये आपका आउटर रेस है। उसी तरीके से अगर मैं इनर वाले पार्ट की बात करूं तो ये हमारे पास है डेट इज कॉल्ड इनर रेस, ठीक है। उसके अलावा और अगर हम लोग बात करें तो ये जो हमारे पास है, जहां पर हम लोग शाफ्ट, यहां पर आपका क्या होगा, फिट होगा जाके, तो इसको हम लोग बोलते हैं डेट इज कॉल्ड, अच्छा ये तो मैंने बता दिया आपको इनर रेस। ये देखिए जो आपका, ये आपका बॉल है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये हमारा बॉल। इसके अलावा अगर हम लोग इससे बात करें तो इसमें आपको दिखता होगा ये केज होते हैं, केज कुछ इस तरीके के डिजाइन पे होते हैं ऐसा, ठीक है, जो चिपक कर रहते हैं। तो ये जो हमारे पास केज का जो डिजाइन दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं केज, पिंजरा जिसको बोला जाता है ना, यही चीज है आपका, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, केज। तो ये हमारे पास एक बॉल बियरिंग है जिसका एक बेसिक क्लासिफिकेशन है। अगर मुझे किसी भी बियरिंग को समझना है तो उसके लिए एक बेसिक कंपोनेंट पता होना चाहिए, क्योंकि इसी कंपोनेंट को हम लोग क्या है बार बार अभी यूज करने वाले हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग देखेंगे तो बॉल बियरिंग में मेन आपका जो स्ट्रक्चर है इसका, अगर आपने एप्लीकेशन देखा होगा तो फैन में, मोटर में काफी जगह आपका यूज होता है, और अलग अलग टाइप्स के बियरिंग होते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर जो आपको बात करने वाला हूँ वो रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग को लेकर बात कर रहा हूँ। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया, डेट इज द कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट का मतलब ये है कि डायरेक्ट आपका क्या होगा, ये जो आपका जो बीच का रोलर है, नॉट रोलर, इट इज अ बॉल, जो आपका इनर और आउटर रेस से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर आप मान लीजिए इस पे बात करते हैं रोलर बियरिंग को लेकर, तो रोलर बियरिंग में भी आपको यही डिजाइन दिखने वाला है, मतलब ये आपका आउटर रेस है ये वाला जो पोर्शन है, और अगर अंदर की बात करेंगे तो अंदर का पार्ट जो है ये हम इसको इनर रेस बोलते हैं, और इसके बीच में क्या है, देखिए इसके बीच में आपका अटैच होता है रोलर, या तो रोलर होगा या निडल होगा, डिपेंड करेगा कि आपका किस तरीके की बियरिंग है। तो ये हमारे पास जो बियरिंग है, ये आपका जैसा मान लीजिए पोर्शन है, तो इसमें अगर देखिए ये आउटर वाले पोर्शन को हम लोग बात करते हैं, तो ये आउटर वाला पोर्शन आपको जो मिलेगा डेट इज कॉल्ड आउटर रेस, ये हमारे पास है आउटर रेस। उसी तरीके से जो इनर वाला पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेट इज कॉल्ड इनर रेस, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो देखिए, जैसा यहाँ पर मैंने बॉल लिखा हुआ था, तो ये बॉल बियरिंग इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर बॉल यूज होता है आपका स्फेरिकल शेप। यहाँ पे बात करोगे तो आपको सिलेंड्रिकल शेप या निडल आपका स्ट्रक्चर, लाइक निडल स्ट्रक्चर होगा। तो यहाँ पे जो आपका यूज होता है वो आपका क्या यूज होता है, सिलेंड्रिकल फॉर्म, तो आप रोलर बोल सकते हो, या इसका अलग टाइप्स होता है डेट इज ऑल्सो कॉल्ड निडल, ठीक है। और इनर रेस और आउटर रेस तो आपका आना ही है, इसके अलावा आपको केज भी मिलेगा यहाँ पर। तो ये हमारे पास एक बेसिक क्लासिफिकेशन था जिसको लेके हमने बात किया हुआ है रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग को लेकर। तो ध्यान रखिएगा, ये रोलिंग कॉन्टैक्ट है तो डेफिनेटली आपको कॉन्टैक्ट दिख रहा है, ठीक है। आगे मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ, तो अभी मैं जैसे जर्नल बियरिंग को लेके बात करूंगा, तो जर्नल बियरिंग की क्या कहानी होगी, जर्नल बियरिंग किस तरीके से डिफरेंस है, और बाकी अभी हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो देखते हैं फ्रेंड्स, उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग है इसके क्लासिफिकेशन के ऊपर देखते हैं कि आपका बॉल बियरिंग कितने तरीके के हो सकते हैं, कहाँ पर यूज किए जाते हैं, रोलर बियरिंग कितने तरीके के हो सकते हैं, कहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो अगर जैसा कि मैं यहाँ पे बात करूँ तो कुछ कुछ टर्म्स को मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ।
जैसे मान लीजिए कि आपका इनर रेस है और ये बॉल है, तो बॉल का कॉन्टैक्ट बेसिकली आपका कैसा होता है, ये आपका होता है पॉइंट कॉन्टैक्ट के लिए, ये आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर क्या आपको पॉइंट कॉन्टैक्ट मिल रहा है, और ये जब सिलेंड्रिकल है तो डेफिनेटली यहाँ पर जो आपको कॉन्टैक्ट मिलेगा ये आपको कैसा मिलेगा, ये आपको मिलेगा लाइन कॉन्टैक्ट। समझ में आ रहा है, यहाँ पे आपको पॉइंट कॉन्टैक्ट मिला है, यहाँ पर आपको लाइन कॉन्टैक्ट मिला है। अब ये बताइए, अगर लाइन कॉन्टैक्ट मिला हुआ है तो मतलब ये आपका जो सिलेंड्रिकल है, तो अगर मैं रेडियल लोड की बात करूँ, रेडियल लोड मतलब क्या है, रेडियल डायरेक्शन में आपका जा रहा है, तो रेडियल लोड आपका कौन ज़्यादा सस्टेन कर सकता है, बॉल बियरिंग और रोलर बियरिंग। डेफिनेटली अगर हमारा सिलेंड्रिकल पोर्शन है, जैसे मान लीजिए सिलेंड्रिकल पोर्शन इसके अंदर लगा हुआ है, तो जो लोड बियर करेगा पूरा का पूरा लाइन कॉन्टैक्ट में आएगा ना, तो इस कंडीशन पे हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये जो हमारे पास बॉल बियरिंग है, बॉल बियरिंग के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आपका क्या होगा, ये बेसिकली ज़्यादातर यूज़ किया जाता है फॉर एक्सियल लोडिंग, ठीक है, ये हमारा किसके लिए यूज़ किया जाता है, फॉर एक्सियल लोडिंग। लेकिन आप यहाँ पे अगर बात करोगे रोलर बियरिंग को लेके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, फॉर कौन सा डायरेक्शन, रेडियल में है, तो फॉर इस ज़्यादातर ये यूज़ किया जाता है आपको फॉर रेडियल लोडिंग, ठीक है। रेडियल डायरेक्शन में जो आपका लोडिंग लगता है उस डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, ये आपका रोलर बियरिंग। तो आप लोग को ये दोनों के बीच में बेसिक स्ट्रक्चर आपको क्लियर हुआ होगा जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। और ये दोनों क्या है आपका, ये जो आपका है देखिए कहीं ना कहीं ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है, मतलब मेटल टू मेटल आपका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो रहा है। अब ये बताइए अगर मेटल टू मेटल डायरेक्ट कॉन्टेक्ट हो रहा है तो ये जितना स्पीड चलेगा उतना ज्यादा क्या होगा, घिसेगा। तो ये बेसिकली आपका सुटेबल है लो स्पीड में, अगर आपको जाना है दोनों में से कोई भी पॉइंट हो या लाइन हो, आपको लो अगर स्पीड तक जाना है तो ठीक है, जितना ज्यादा आप हाई स्पीड में जाओगे उसके चलते क्या होगा, उतना ज्यादा मेटल का कॉन्टेक्ट बनेगा और उसके चलते उसमें क्या होगा, फ्रिक्शन ज्यादा होगा। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो क्या कि ये सब हमसे जो कहानी है, मतलब ये जो हमारे पास अगर कहानी है तो बेसिकली बोथ आर यूजफुल फॉर लो वेलोसिटी, ठीक है, लो और अप टू मीडियम, ठीक है, लो और मीडियम स्पीड तक का हम लोग ये यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर आप जाओगे तो क्या होगा, आपको बहुत ज्यादा मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट होगा, तो लो और मीडियम स्पीड ये भी है। और सेम चीज हम लोग ये भी लिख सकते हैं क्या, ये भी आपका क्या है, फॉर लो और मीडियम स्पीड, ठीक है। तो दोनों के लिए आपको ये वाला कंडीशन मिल सकता है। तो यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है, और आई होप आप लोगों को यहाँ पर मैंने कुछ जो बेसिक डिफरेंस आपको बताया हुआ है ये चीजें आपको जरूर क्लियर हुई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट।